हेलो एवरीवन, इन्वेस्टिगेटर की जो जॉब्स है उसका जो सूचकांक नया चैप्टर चल रहा है, उसका फर्स्ट वीडियो तो मैंने बना दिया था। सेकंड वीडियो अपना चल रहा है, ठीक है। तो इसमें से जो मैंने जो पहले पढ़ाया था, पहले तो माध्य विधि पढ़ाया था मैंने आपको, या पारिवारिक बजट विधि वाला पढ़ाया था, ठीक है ना। तो अब इसमें जो नेक्स्ट ले रहे अपन, वो ले रहे हैं समूह व्यय रीति, यानी भारित समूह विधि के, भारित समूह विधि ले रहे। इसके अंदर जो है, यानी इस जो विधि को है, जो इनकी विधियां कई प्रकार की है, जैसे ये विधि, इन्हीं में से क्वेश्चन अपना पुट अप होगा एग्जाम में 100%, ठीक है। जैसे जो लेस पेयर की विधि है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पाशी की विधि इम्पोर्टेंट है, डाविश और एवं बावले की विधि, फिशर एवं आदर्श सूचकांक, मार्शल एडवर्थ की विधि, केली की विधि, ये सारे एग्जाम में अपने इंपॉर्टेंस है और इनमें से क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। इसको आप अवॉइड नहीं करने, एक एक टॉपिक लेंगे। लेस्पर की विधि, लेस्पेयर की विधि पहले लेंगे, ठीक है। तो उसमें मैं आपको सबसे बेटर इसमें सूचकांक में यही है कि आपको फॉर्मूला याद रहे। फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, जिससे आपको इजिली याद रहे लंबे समय तक, ठीक है। तो देखते हैं आगे किस तरह से आपको करना है। तो फर्स्ट है लेस्पेयर की विधि, ठीक है। लेस्पेयर की विधि के लिए अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं, तो फॉर्मूला होगा इसका, देखो लेस्पेयर को आप किससे डिनोट करोगे, एल ए, यानी इसको एल ए लिख लोगे, ठीक है। और इसके आगे P01, ठीक है। अधिकतर अपन लिखते हुए P01, ठीक है, सूचकांक निकालने के लिए P01 का इंडिकेट करते हैं, और लेस्पेयर के लिए एल ए यूज ले लिया मैंने, ठीक है। लेस्पेयर अगर अपन इंग्लिश में लिखा है तो ये लेस, LASPE, लेस्पेयर विधि, ये ठीक है। इसमें से एल ए यूज किया गया है आगे का, तो एल ए यूज करके P01। अगर इसका फॉर्मूला देखे तो फॉर्मूला क्या है आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले में क्या करना है। देखो सबसे पहला आपको जो आधार वर्ष का जो मूल्य है P0, और आधार वर्ष करंट करंट ईयर का जो मूल्य है P1, इनको हमेशा इस तरह से लिखना है। P0 हमेशा आधार वर्ष का नीचे रहता है, पहले भी मैंने बताया था आपको, और P1 ऊपर हमेशा रहता है। इसके आगे आपको क्या है, सिग्मा लगाना है, यानी सिग्मा यूज करना है, जिसका टोटल यूज कर रहे हैं अपन, इन दोनों का टोटल यूज करना है। मतलब जो इसके अंदर एक और है, इसमें जो भार है, भार को इंडिकेट किया गया है, जो भार है उसको किससे इंडिकेट किया गया, Q0 को। बस इन दोनों से को अपन को ऊपर नीचे Q0 से मल्टीप्लाई करना है, यानी जो भार दे रखा है, यानी मात्रा दे रखी है, जो भी मात्रा होगी, जैसे जिस ईयर में मतलब कितनी मात्रा यूज करी गई है। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो P0 तो अपन का, P0 का मतलब हो गया कि आधार वर्ष का मूल्य हो गया, ठीक है, आधार वर्ष का मूल्य हो गया। और P1 इक्वल टू क्या हो गया, P1 इक्वल टू क्या हो गया, करंट ईयर का मूल्य हो गया, करंट ईयर का मूल्य हो गया, करंट ईयर प्राइस, ठीक है, यानी चालू वर्ष का मूल्य P1, ठीक है, ये P1 है। और जो Q0 क्या है, मात्रा है, जो भार दे रखा है, जो भार दे रखा मात्रा, ठीक है, अपन कह सकते हैं ये मात्रा है Q0। तो अभी क्वेश्चन में मैं ले लूंगा, यानी अपन कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी के रूप में इंडिकेट होगा, यानी कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं, क्वांटिटी, क्वांटिटी के रूप में इंडिकेट होगा Q0, ठीक है। तो इसी से एक एग्जांपल करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा समझ में कि किस तरह का क्वेश्चन होगा। चलिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल कौन से दे रखे हैं, आर्टिकल है, आर्टिकल आर्टिकल दे रखे ए बी सी, ये ले लिया मैंने ए बी सी, यानी आप समझ सकते हो कि ये कोई ना कोई वस्तु है, ठीक है। और इसकी जो प्राइस दे रखी है, प्राइस दे रखी है इसमें, जैसे प्राइस जो ये है बेस ईयर की प्राइस है, क्या है, बेस ईयर, जो आधार वर्ष माना है उसकी प्राइस है, यानी जो P0 मानेंगे वो है, ये आधार वर्ष का P0 मानेंगे ये है, ठीक है। इसके जैसे दे रखे 2 रुपए दे रखे, 3 रुपए, ठीक है, और 4 रुपए, ये मान लो 2, 3, 4 इसके प्राइस दे रखी है। क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी क्या मानेंगे, मैंने आपको बताया था अभी, क्वांटिटी क्या मानेंगे, Q0 मानेंगे, ठीक है। Q0 आपको, आपको क्या दे रखी है, मान लो 6 दे रखा है, 7 दे रखा है और 10 दे रखा है, ठीक है।
और प्राइस जो दे रखी है, प्राइस देख लेते हैं। प्राइस में अपन को क्या दे रखा है, प्राइस में दे रखा P1, यानी जो करंट ईयर की, ये करंट ईयर की है। यानी ये मान लो 2010 तो अपना बेस ईयर था और 2012 अपना क्या करंट ईयर है, उससे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा करंट ईयर की जो प्राइस दे रखी है 3 दे रखी है, ठीक है, और 3 दे रखी है, 4 दे रखी है और 5 दे रखी है, 3, 4 और 5। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या करना है, अगर जो फॉर्मूलो के देखे, फॉर्मूला का देखे, लेस पेयर विधि के फॉर्मूले को देखे, तो P01 मैंने बताया था आपको, सिग्मा दोनों ऊपर नीचे सिग्मा लगा दो। ठीक है, इसमें बेस ईयर हमेशा नीचे आता है, करंट ईयर ऊपर आता है, और Q0 और दोनों जगह Q0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना, P0 Q0 निकालना, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है P0 और Q0 को। फिर आपको क्या निकालना है, P1 और Q0 का मल्टीप्लाई निकालना, तो P1 और Q0 का मल्टीप्लाई, तो टेबल में ये आपको करना है। अगर मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे P0 क्या अपना 2 है, Q0 अपना Q6 है, तो 2 2 6 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, फिर 3 7 21 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 2 40 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना, P1 और Q0 से मल्टीप्लाई, P1 यानी करंट ईयर का प्राइस है जो दे रखा है आपको 3, और ये Q0 से मल्टीप्लाई करना, 6 दुनी 6 3 18, ठीक है, 728 और 10 5 50। ठीक है, अब देखो सिग्मा दे रखा, तो इसका मतलब अपन को समझना है कि ये क्या है, टोटल का सिंबल है, यानी टोटल करना है, इन दोनों का टोटल करना है, तो यहां पर आपको क्या करना है, दोनों का टोटल निकालना, यानी सिग्मा P0 Q0 इक्वल टू, यानी कि कितना हो गया, 40 20 60 60 10 70 70 और 3 73, यानी 73 आ जाएगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं अपन, इसका सिग्मा P1 Q0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 50 और 20 70 70 और 10 70 और 10 80 80 और 8 8 16 80 और 16, कितना हो गया अपने 96। ठीक है, ये 96 आ गया। अब आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जमा देंगे, ये अपना फॉर्मूला है मैंने बताया था आपको, तो उसके अकॉर्डिंग जमा देते हैं। तो पहले 96 को लिखना है, तो 96 लिख दिया, तो नीचे आपको 73 लिखना है, तो 73 लिख लिया। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले में मैंने आपको इंटू 100 नहीं लिखा, क्योंकि प्रतिशत के रूप में निकाल रहे, तो यहाँ 100 आएगा, यहाँ भी शायद मैंने 100 नहीं लिखा, इंटू करके या इंटू करके यहाँ पर क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो निकालते हैं इसका, तो इंटू 100 इंटू 100, तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो इसको कैलकुलेशन करूंगा, अगर मैं भाग लगाऊंगा तो कैलकुलेशन होकर क्या होगा, 1,31.51, ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो लेस पेयर की विधि इस तरह से कैलकुलेट होगी, इजी है, आसान है, फॉर्मूला याद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है पाश्य विधि। ठीक है, पाश्य विधि देखो इसमें क्या है, उसमें इसमें अंतर क्या है पाश्य विधि में, तो इसमें पाश्य के लिए आपको क्या लेना, PA। ठीक है, पाश्य के लिए आपको क्या लेना है, PA, और बाकी सूचकांक निकालने के लिए P01 यूज करते ही हैं। इसमें आपको क्या करना है, दोनों ऊपर नीचे आपको दोनों जगह सिग्मा लगाना है ही है। ठीक है, यहाँ पर P0 लिखना है और वही बेस ईयर P1 सेम टू सेम है, बस यहाँ पर क्या होगा Q1, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा Q1 इंटू 100, वहां पर क्या था Q0 था और यहाँ पर क्या Q1 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें देखो P0 तो वही बताया मैंने आपको, जो आपको आधार वर्ष का जो मूल्य है, आधार वर्ष का जो मूल्य है वही है। ठीक है, और P1 क्या है, चालू वर्ष का, ठीक है, चालू वर्ष का मूल्य, ये P1 है। अब आपको Q1 के बारे में बता दो, देखो वहां पर Q0 माना था, तो आधार Q0 माना था, तो आपको मैंने बताया था कि जो वहां पर क्या लिया था अपन ने, मात्रा जो ली थी वो क्या ली थी, आधार वर्ष की मात्रा ली थी Q0। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना चालू वर्ष की मात्रा लेनी है, चालू वर्ष की मात्रा लेनी है इसमें। ठीक है, चालू वर्ष की मात्रा लेनी है, ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आधार वर्ष का मात्रा भी दे रखी हो तो नहीं लेना है, चालू वर्ष की मात्रा लेनी है। ठीक है, तो ये इसमें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतना अंतर है, वहां पर आधार वर्ष की मात्रा ले रहे हैं, यहां पर चालू वर्ष की मात्रा ले रखी Q1, बस इतना सा अंतर है, ध्यान में रखना लेस पेयर और पाश्य की विधि में। तो अंतर क्या है इसके अंदर, लेस पेयर और
पाशे की विधि का अंतर क्या है, उसमें आधार वर्ष की मात्रा और इसमें चालू वर्ष की मात्रा। अगर अपन इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो कुछ कॉमोडिटीज दे रखी हो, ठीक है, कॉमोडिटीज दे रखी है, यानी आपको कुछ वस्तु दे रखी है, आप कह सकते हो गेहूं भी हो सकता है, चाय हो सकती है, नमक हो सकता है, एनीथिंग वस्तु, ठीक है ना, कुछ भी, जरूरी नहीं कि खाने की हो, किसी भी चीज की हो, ठीक है। प्राइस दे रखी है, यहाँ पर प्राइस दे रखी है, वो आधार वर्ष की प्राइस क्या दे रखी है, पी जीरो। आधार वर्ष की प्राइस को अपन क्या इंडिकेट करेंगे, पी जीरो से। तो इसका प्राइस क्या देगी, 2, 3, 4 दे रखी है मान लो, ठीक है। और क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी जो दे रखी है ये आधार वर्ष की है, क्वांटिटी क्यू जीरो जो दे रखी है, मान लो आधार वर्ष की दे रखी है 6, 7, 10, ठीक है। और प्राइस दे रखी है, नेक्स्ट प्राइस दे रखी है वो पी वन यानी करंट ईयर की दे रखी है, मान लो 2019 की, और यहाँ पर मान लो 2015 की दे रखी हो, ठीक है, ये आधार वर्ष अपना 2015 और ये 2019 की प्राइस दे रखी, किसी भी वर्ष की दे रखी, जरूरी नहीं 2015 के बाद 2016 की देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल कुछ किसी भी अपन को करंट ईयर जो चल रहा है उसकी दे सकते हैं, और आधार वर्ष अपने आपने क्या मानेंगे, जैसे जो दे रखा है 2015 तो पी जीरो उसको मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पी वन देख लिया मैंने, जैसे 3, 4, 5 ये पी वन यानी करंट ईयर की प्राइस होगी अपनी, यानी चालू वर्ष की प्राइस होगी, और क्यू वन अपनी क्या हो गई, चालू वर्ष की मात्रा हो गई, चालू वर्ष की मात्रा, जैसे 5 ले लिया मैंने, 6 ले लिया और यहाँ पर 12 लिया। तो आपको इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा, यानी आपको क्या करना है, इससे कोई मतलब नहीं रहा आधार वर्ष का, क्योंकि आधार वर्ष तो दे ही नहीं रखा ना, आधार वर्ष की क्वांटिटी तो दे नहीं रखी इसके अंदर, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो यानी अपन को पी वन क्यू वन निकालना, पी जीरो क्यू वन निकालना, तो यानी आपको क्या करना है, पहले पी जीरो क्यू वन निकाल लो, फिर पी वन क्यू वन निकाल लो, फिर इनका टोटल कर लो, जैसे जैसे क्या है, पी जीरो क्या 2 है, ठीक है, और क्यू वन कितना है, 5 है, तो पी जीरो क्या है अपना 2 है और क्यू वन क्या है, 5 है, तो इनको लेना, तो इसको इंटू करना है, तो 2 × 5 = 10, ये 10 हो गया, ठीक है, 3 × 6 = 18, ये 3 × 6 = 18 हो गया, 12 × 4 = 48, ये 48 हो गया, ठीक है। अब पी वन क्यू वन लेना है, पी वन क्यू वन कैसे लेंगे, तो पी वन तो ये रहा अपना और क्यू वन ये रहा, 3 × 5 = 15, 15 ले लिया मैंने, ठीक है, 4 × 6 = 24, ये 24 ले लिया मैंने, और 12 × 5 = 60, यानी 12 × 5 = 60 यहाँ ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो टोटल निकाल लो, यहाँ पर टोटल मैंने जैसे निकाला, यहाँ पर टोटल क्या निकालना है आपको, टोटल क्या करना है, इनको टोटल करना है पी जीरो और क्यू वन को, अगर टोटल करेंगे 40, 10, 50, 60, 60 और 8, 8, 16 हो गया, 16 यानी 78 हो गया यहाँ पर, 78, ठीक है। और अगर इसमें टोटल देखे, इसका टोटल क्या हो जाएगा, इसका पी वन और क्यू वन का टोटल, तो यहाँ पर क्या हो, 60 और 20 80 80 10 90 90 और 9 कितने हो गए अपने, 90 और 9 99, तो 99 यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जमाना है और इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 99 ऊपर हो गया मल्टीप्लाई और ये 78 × 100, अगर इसको इंटू करूंगा मैं तो क्या होगा, और यहाँ थोड़ा सा टोटल गलत हो गया मेरा, टोटल आप 76 कर लेना इसको, 76 है ये टोटल, यहाँ पर क्या हो जाएगा 76 है, थोड़ा सा जोड़ने में गलती हो गया, 40 और 10 50 50 10 60 60 और 8 16 76, ठीक है ठीक है, 76 हो जाएगा यहाँ पर। और अगर अपन कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 130.26, तो ये अपना क्या आंसर आ जाएगा। इस तरह से अपन पाशे विधि का यूज कर सकते हैं। तो देखो दोनों में, लेस पेयर की विधि और पाशे की विधि में अंतर अगर मैं कहूं आपको, तो दोनों विधियों से अपन को ये मालूम पड़ता है, पाशे विधि और लेस पेयर विधि, दोनों विधियों से ये करने से मालूम पड़ता है कि दोनों में अंतर है। ज्यादा उपयुक्त पाशे विधि माना है, कारण क्या है, और लेस पेयर विधि को क्यों नहीं माना है, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है, लेस पेयर विधि में ये कहा जा रहा है कि प्राइस बढ़ने पर, यानी जो प्राइस करंट ईयर की प्राइस है और जो सॉरी बेस ईयर की प्राइस है और करंट ईयर प्राइस है उसमें बढ़ गए, तब भी मात्रा वही रहेगी,
तो ऐसा नहीं होता, अगर प्राइस बढ़ जाती है तो उपभोग लोगों का कम हो जाता है। मान लो गेहूं का दाम बढ़ गया तो लोग उसको थोड़ा कम खाने लग जाते, कम यूज करने लग जाते, तो उपभोग बहुत से अधिकतर का देखा गया कि उपभोग कम करने लग जाते हैं किसी भी चीज की। जैसे मान लो सोने का भाव बढ़ गया तो वो उसको कम खरीदने लग जाएंगे, यानी कम ही खरीद ले, कम क्वांटिटी खरीद ले, तो ये चीज होता है। तो लेसपेर विधि में ऐसा नहीं बताया गया कि क्वांटिटी वही बताई गई है, जो बेस ईयर की क्वांटिटी वही उपभोग होगा लोगों का जो प्राइस बढ़ने पर भी। तो मात्रा का कोई रोल नहीं रहा, ठीक है, मात्रा वही रहेगी जो उपभोग वही करेंगे। तो पर पाशी विधि में ये कहा गया है कि अगर प्राइस बढ़ेगी, अगर देखो 2 रुपए की जगह 3 रुपए बढ़ गए तो क्वांटिटी में भी अंतर आएगा, यानी क्वांटिटी क्या होगी, मात्रा का उपभोग कम होगा। जैसे इसमें 2 रुपए थे तो उपभोग कितना कर रहे थे, 6 क्वांटिटी का, और अब रेट बढ़ गई 3 रुपए तो उपभोग कितना हो रहा, 5 का। तो इसमें ये बताया गया उपभोग का कम होगी, मात्रा कम होगी, ठीक है। इसलिए पाश्चिक उपयुक्त विधि बताया गया है। विद्वान पर कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि लोगों का उपभोग कुछ अनिवार्य वस्तुएं जो अनिवार्य है, कंपलसरी है, अनिवार्य वस्तुओं पर उपभोग कम नहीं होता है, तो यह भी कहा गया है। पर पाश्चिक विधि ज्यादा उपयुक्त मानी गई है लेस्पेर विधि के अकॉर्डिंग। चलिए अब आपको नई विधि बताता हूँ। तीसरी नई विधि है डोबिश एवं बावली विधि, ठीक है। अगर डोबिश और बावली विधि की अगर बात करें, अगर याद करना तो बिल्कुल आसान तरीका है। डोबिश और P01 यानी डोबिश और बावली विधि में क्या करना है, बल्कि एल यानी लास्ट लेस्पेर विधि और पी यानी पाशी विधि को मिलाकर उसको 2 से भाग दे दो, यानी उसका क्या निकाल लो, माध्य निकाल लो, ठीक है, माध्य निकाल लो। यानी लेस्पेर विधि को अगर अपन देखें तो लेस्पेर की विधि का क्या बताया मैंने, तो इसमें P1 और Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, ये मैंने आपको किसमें बताया है, लेस्पेर विधि में बताया है, ठीक है। और पासी विधि में मैंने क्या बताया आपको, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 तो होगा होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, Q1 यहां पर आ जाएगा और Q1 यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है। दोनों विधियों को जोड़ लो या फिर देखो ऐड कर रखा और 1/2 यानी 2 से भाग लगा दो, ठीक है। ये इसके अंदर बताया गया, और इसके साथ ×100 भी करना है, ×100 भी आएगा यहाँ पर, ×100 करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, दिख नहीं रहा तो ×100, ठीक है। तो इनका यूज करके ही सॉल्यूशन होगा। तो आपको क्या करना, सिंपली आपको ध्यान रखना है, लेसपेर का वैल्यू निकाल लो, मान निकाल लो, और फिर पाशे का मान निकाल लो, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दो, इस तरह से ये होगा। तो आपको दोनों को सम्मिलित रूप लिया गया, लेसपेर और पाशे दोनों को मिलाकर उसका माध्य निकालकर अपेक्षित सूचकांक निकालना ही डोबिश और बावले विधि कहलाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, अगर डोबिश विधि और बावले विधि तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन अगर आपके सामने हो तो आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो पहले आपको क्या है, लेस्पेस विधि निकालनी है, फिर आपको पाशी वाली विधि निकालनी है, दोनों को जोड़ना है और 1/2 से भाग लगाना है। तो इसको आसान है, समझ गए होंगे आप, तो आपको याद रखना है ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, दोनों का एवरेज निकाल लिया और सबसे कहा कि हमारी उपयुक्त विधि है, तो ये चीज माना जाता है ना। तो इसमें ये कह सकते हैं अपन कि ये भी बेटर विधि है, डॉबिश ए बाउली विधि, ठीक है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर अधिकतर जो यूज हो रही है वो पाशी विधि ही यूज हो रही है, ठीक है। तीनों तीनों विधियां आपको मैंने बता दी, तीन विधि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको मैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। रटना नहीं, फॉर्मूले को समझना है, समझने से ही याद रहेगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें, मोटिवेशन मिलता है लाइक करने पर, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टेटिस्टिक्स के सभी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आने वाले समय में एग्जाम है आपका 10 मई का, तो स्टेटिस्टिक्स का जो आपका अन्वेषक का जो एग्जाम एग्जाम है वो आपका 10 मई को है, तो कोशिश करूंगा उस समय सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपका। तो राजस्थान जी की मेरा चल ही रहा है इसमें, तो राजस्थान जी को भी आप देखते रहो, पटवारी वगैरह के वही सेम सिलेबस इसमें भी है जो राजस्थान जी के, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने